अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंसारी जमीला किचन। गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ चना छोला। लाहौरी स्टाइल में मैं चना छोला अंडा बना रही हूँ। आइए, चने की मैं सब्जी बना रही हूँ। आइए मेरे किचन में, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं 200 ग्राम चना ली हूँ। चना को मैं बॉयल कर ली। मैं 4 अंडे ली हूँ। मैं प्याज को मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। दही ली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ये थोड़ा चना में निकाल ली हूँ। इसका सीक्रेट मैं बाद में आप लोग को बताऊँगी। ये छोले मसाले ली हूँ। गरम मसाला पाउडर, वो लाल मिर्ची पाउडर, ये चिकन मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स ले ली और धनिया बारीक काट ली है। 4 मिर्ची ली हूँ। मैं तेल, मैं चूल्हे पे कढ़ाई को रख दी। तेल गरम हो गया है। अब मैं आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कैसे मैं चना छोला बनाऊँगी। ये कस्तूरी मेथी भी ली हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी, लौंग और एक इलायची ली हूँ। तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी और थोड़ा इसको मैं चला लूँगी। फिर इसमें मैं दही ऐड करूँगी। गाइस, इसी तरह से बनाएं। गाइस, टमाटर के साथ साथ सब्ज़ी भी इतनी महंगी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैं सोची लाओ लहरी चना मैं बनाती हूँ, बच्चे लोग खा लेंगे। क्या करें, बच्चे लोग का पेट पालना है, कैसे भी महंगाई इतनी ज़्यादा है, चलाना है घर को। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 100 ग्राम दही ली थी। अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, इसमें छोले मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से इसको भून लेंगे और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद अनुसार। आप लोग अपने हिसाब से डालना। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर मसाला अच्छे से भुना गया। अब मैं इसमें चना डाल रही हूँ। चना को मैं बॉईल कर ली थी अच्छे से और मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी चने का इसमें डाल रही हूँ। और मैं आप लोग को बताई थी ना कि मैं इसका सीक्रेट आप लोग को बताऊंगी। ये चने का मैं पेस्ट बना लूंगी और इसको उसमें मैं डाल दूंगी इसका पेस्ट बनाकर। और आप लोग को मैं फिर दिखाऊंगी कि इसका पेस्ट मैं इसमें डालूंगी, किस लिए मैं डालूंगी। मैं इसमें चने का पेस्ट डाल रही हूँ। मैं 1 कटोरी चना निकाल ली थी और मैं इसका पेस्ट बनाकर डाली हूँ। ढाबे पे या रेस्टोरेंट में ये छोला क्यों इतना टेस्टी होता है, इसका सीक्रेट ये है कि इसमें चने इसको पेस्ट बनाकर डालते हैं, इसीलिए वो गाढ़ा होता है और बढ़िया टेस्टी होता है। अब इसको मैं पकने दूंगी। इसमें थोड़ा मैं कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा क्रश करके मैं इस तरह से कसूरी मेथी भी इसमें डाल दी। अब इसको मैं पका लूँगी, फिर आप लोग को दिखाऊँगी। मैं इसमें हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। अब इसको मैं ढक कर पकाऊंगी, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। इसमें पकने के बाद मैं हरा धनिया भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ और हरा धनिया भी ऊपर से डाल दूंगी और इसको थोड़ा इस तरह से चला देंगे। फिर उसके बाद मैं चूल्हा को ऑफ कर दूंगी, फिर इसको ढक दूंगी। कोई थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी रेसिपी। गाइस, देखिए ये मेरे घर में ये बिल्ला है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अरे इधर किचन देखिए, मेरे बिल्ला को पेशाब आई है तो ये बाथरूम में आया है ये पेशाब करने। गाइस देखिए, ये इसको ये पेशाब लगी थी इसीलिए तो इतना जल्दी से ये भागा घर में से। गाइस, हमारा लाहौरी चना छोला रेडी हो गया। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। देखिए, आप लोग भी इसी तरह से बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। गाइस, इसी तरह से आप लोग बनाएं, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी होता है। अगर
सब्जी इतनी महंगी है तो इसी को इस तरह से बनाए बहुत ही बढ़िया होता है। आप लोग मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।